Hey students, welcome to Magnet Brains. मैं हूं शिवानी शर्मा. I really wish आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे and बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. So students, आप लोग जानते ही हैं Magnet Brains पे क्लास KG to क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है. तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है. सो क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और उसमें भी आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 को. सो एक्सरसाइज 4.1 में आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे. इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में यूज होने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स को देखा था. बेसिकली हमने डील किया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट ओवरव्यू नहीं देखा है तो रियली आपको जाके कॉन्सेप्ट ओवरव्यू सबसे पहले देखना है और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जो आपसे कहता है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट. सिंपल सी बात, क्या करना है आपको, इवैल्यूएट करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएट? इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड कीजिए इस डिटर्मिनेंट का. सो डिटर्मिनेंट कैसा है मेरे पास, ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है, दिस इज 2, 4, -5, -1. तो कैसे फाइंड करते हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट को? सबसे पहला काम क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहला काम होता है ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन. बस पहला वाला याद रखिएगा, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट करना है, मल्टीप्लिकेशन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन एंड देन जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप. ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको इसका आंसर चेक करना एक बार. देखिए आप लोग जरा, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 2 × -1. आप लिखेंगे 2 × -1, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर 4 × -5. तो कितना आएगा ये, -2 - -+, 4, 5 = 20. -2 + 20 क्या होता है, -2 + 20 होता है 18. क्या किसी को कोई समस्या? सही बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना सही था ये. ठीक है, सो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था, हमने डील कर लिया इसे कैसे सॉल्व करना होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हर टाइप की मैट्राइसिस का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्राइसिस का ही आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो? तो जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है, आई होप कोई समस्या नहीं है. सिर्फ इतनी सी चीज थी जो 12th क्लास की थी, बाकी सब ये तो बचपन वाली बातें हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन. अगला क्वेश्चन भी यही है, आपको इवैल्यूएट करना है इन डिटर्मिनेंट्स को. पहला डिटर्मिनेंट आपके सामने ये लिखा है, तो मैं लिख देती हूं यहां पे, दिस इज कॉस थीटा, यहां लिखेंगे आप साइन थीटा, यहां लिखेंगे -sin θ एंड दिस इज कॉस थीटा. ओके जी, क्लियर है ये? अब कैसे फाइंड करोगे आप इसका डिटर्मिनेंट? मैम वही कहानी, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट. ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, -sin θ × sin θ, सो -sin θ × sin θ. सो आपको क्या मिलेगा चेक करें आप, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -−+ sin θ × sin θ sin²θ, दैट्स इट. ठीक है, -−+ हो गया, इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1 होता है. तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर 1 आ गया, दैट्स इट. क्या किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना ये? सो 2/2 के डिटर्मिनेंट वेरी वेरी सिंपल. अब इस क्वेश्चन पे आप लोगों को अटैक करना है, कैसे करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, कैसे फाइंड करोगे आप, वही कहानी है. सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, एक काम करो. सो क्वेश्चन है आपका, यहां पे लिखते हैं अपन x² - x + 1 एंड दिस इज x + 1. ठीक है, और यहां है x - 1 एंड x + 1. ठीक है, चलो, सो डिफरेंट कलर यूज करते हैं सो दैट थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो. तो यहां पे हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट है. सबसे पहली चीज ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जाना है आपको. ठीक है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, इनका मल्टीप्लिकेशन और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा. तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो कैसे लिखोगे आप इसे, लिखोगे x² - x + 1 इंटू करना है आपको x + 1 का, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, दिस इज x - 1 एंड दिस इज x + 1. क्या किसी को कोई समस्या? ठीक है ना,
क्लियर है. अब क्या करोगे आप, अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे. सो एक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वन का मल्टीप्लीकेशन करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चेक करो सही बात है. अब क्या करना है आपको, जो जा रहे हैं उनको जाने दो. सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस वन टू, एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये लो जी आपका आंसर आ गया. ठीक है, क्लियर है ना. बस टू बाई टू के डिटर्मिनेंट में आप इतना याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लीकेशन, देन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, और फिर जो बचा है उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. डन, चलिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है आपसे कि इफ ए इज इक्वल टू 1242, ये आपका डिटर्मिनेंट में है, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है. आपको शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले मैम क्वेश्चन को लिखेंगे. क्वेश्चन है कि a आपका डिटर्मिनेंट है ऐसा, कैसा, 2/2 का, 1422. आपको शो करना है, शो मतलब प्रूव दैट, प्रूव दैट मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस. तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्या देखें इसमें. देखो सबसे पहले 2a हुआ है, राइट. तो एक काम करो, आप लिखेंगे यहाँ पे 2a. अब ये 2a का मतलब क्या है, 2, और a को पहले मैट्रिक्स में फॉर्म में लिख लो आप, 1422. ठीक है, 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है. आप जानते हो 2a का डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप 2a मैट्रिक्स बनाना. जब आपको 2a मैट्रिक्स मिल जाएगी और फिर आप जाके उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, दैट्स इट. ठीक है, सो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ 2a क्या होगा मेरा. सो 2a मतलब क्या, इस 2 स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मुझे इस मैट्रिक्स में करना है. और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग. तो जब आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 1 is 2, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4 and 2 into 2 is 4. ठीक है जी, this is 2a. अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है. सो 2a का डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा आपको, लिख लो आप इस फॉर्मेट में, this is 2, 8, 4, 4, that's it. ठीक है, सबसे पहले 2a निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा. जब हमें 2a मिल गया तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे. अगेन हमारे पास क्या है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है. 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन. ठीक, सो कितना मिलेगा आपको, आपको ये मिलने वाला है, चेक करें, 2 4 = 8 माइनस 4 8 = 32. ओके, सो 8 - 32 कितना होता है, 32 में से आपका 8 सब्ट्रैक्ट करना है आपको. सो दिस इज 2, यहाँ पे 2 आया, 24. ठीक है, कितना मिला आपको, 24. सो 8 - 32 = 24. तो इसका आंसर -24 आ रहा है. एक बार चेक करो, 2 4 = 8 माइनस 4 8 = 32. सो यस, -24 आपको यहाँ मिल गया. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है, ये आपका LHS है. ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ. अब मैं अपने RHS को देखती हूँ. RHS ने कहा है कि 4 का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a से करना है. तो सबसे पहले काम करो आप लोग, सबसे पहले आप ना डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो. ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a से करना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज अ वैल्यू. आपको जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू में आपको 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, राइट. तो आ जाओ, ये रहा मेरा a, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. सो 1 4 2 2 कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट माइनस, फिर ये जो भी है इनका मल्टीप्लीकेशन करो. ओके, हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जाना है. ये तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैं स्पेसिफाई करती हूं, ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो आप. ठीक है, कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो आप. तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना मिलेगा आपको देखना, 1 into 2 2, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 2 into 4 8. अब 2 में से 8 गया, कितना, -6 -6. मैम नहीं आ रहा आपका आंसर, अरे अभी क्वेश्चन कहाँ हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है ना. RHS ने क्या कहा है, RHS ने कहा है 4 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो 4 times ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपके पास, ये रहा 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -6, इसका मतलब दिस इज -24 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2.
ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा यार LHS तो RHS के बराबर आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ये LHS है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2A ये तो बराबर आ गया 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है -24 आ रही है। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप ये क्लियर है, राइट डन। इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। देखो डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ते हैं ना, फिर जो मैं आपको कंसेप्ट ओवरव्यू बताती हूँ, बेसिकली पता है डिटर्मिनेंट चैप्टर से आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम वो तो सिलेबस में है या नहीं, ऐसी टेंशन मत लिया करो आप लोग, आप लोगों को आगे चल के बहुत सारे एग्जाम देने हैं, अपने गोल को आप बड़ा करो, राइट। आपको इन द एंड क्या अचीव करना है, तो पूरी चीज ना एक साथ एकदम अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया करो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जिन प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ ना, वो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर इस टाइप का कहीं लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए तो उसे आप कैसे ओपन करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, और ये प्रॉपर्टीज बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है, इनका काफी एप्लीकेशन होता है। तो कंसेप्ट ओवरव्यू वाली वीडियो को आप लोग कभी भी मिस ना करें, उसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देती हूँ, सो दैट वो प्रॉपर्टीज भी एक साथ आपके पूरे नोट्स बन जाएं, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजें पूरा अच्छे तरीके से अपन को कवर करना है, ओके। सो आई होप ये क्लियर है, ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं, अभी 2x2 का डिटर्मिनेंट था, अब यहाँ पे इनने क्या किया, अब इनने यहाँ पे आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट दे दिया, ठीक है। 3x3 का डिटर्मिनेंट है ये, हमें शो करना है, शो का मतलब होता है प्रूव दैट, प्रूव दैट का मतलब कि इस LHS को आपको RHS के बराबर शो करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीजें हमें चाहिए ना उनको अलग अलग से फाइंड कर लेते हैं। जैसे इनने लिखा है 3A, देखो यार अगर A डिटर्मिनेंट ये है तो इसको तो हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई भी समस्या की बात नहीं है, मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। फिर मुझे 3A चाहिए, सबसे पहले मैं 3 into A अपना स्केलर मल्टीप्लीकेशन करूंगी इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, दिस इज 100, दिस इज 010 एंड ये 1 2 4 है मेरे पास, ठीक। अब क्या करना है आपको, 3A = 3 और ये रहा आपका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट का है मैट्रिक्स, देखो मैं इसे डायरेक्टली ना सॉल्व नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 3A देखा, मुझे पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही तो निकालते हैं अपन, है ना, मैट्राइसिस का ही तो डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो यार अगर ये इस तरीके से लिखा है तो मैं इसको मैट्रिक्स में लिख के जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उनको फाइंड कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, मुझे 3A चाहिए तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे A स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मुझे 3A मिल जाएगा। सो 3A कैसे मिलेगा, 3 मेरा स्केलर है और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में लिखे हर एक एलिमेंट से होता है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो देखो क्या मिलेगा, 3 1 3 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 12, ये मुझे 3A मिला। अभी मैं डिटर्मिनेंट पे तो गई ही नहीं हूँ, मैंने कहा 3A है ये मेरा। अब मैंने देखा कि LHS ने हमसे कहा था कि 3A का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, मैट्राइसिस का डिटर्मिनेंट निकालते हो, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो 3A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, हमने 3A एक मैट्रिक्स बना ली, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगी, ठीक है। तो चलो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सो LHS को पकड़ लेते हैं अपन, LHS ने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, तो ठीक है हमारे पास ये रखा है, 3A की वैल्यू ये है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट का साइन बना दो, 3 0 0 0 3 0 3 6 12, क्या ये बातें क्लियर है, ठीक है 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब सवाल ये उठता है कि ये 2x2 का डिटर्मिनेंट तो हमें याद है मैम, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना वेरी वेरी सिंपल, लेकिन 3x3 का भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप 6 तरीके से अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, आइदर बाय row 1 row 2 row 3, column 1 column 2 column 3, आपको जो पसंद आता है आप उसके अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा था कंसेप्ट ओवरव्यू में कि जब तक ये लोग मेंशन ना करें ना कि आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड करो या उस रो के अलोंग एक्सपेंड करो या इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, अगर ये लोग मेंशन नहीं करते हैं, जो कि बहुत रेयर चांस है कि मेंशन किया जाएगा आपके पेपर में, बिल्कुल मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको ऐसे ही फाइंड करना है, राइट आपके पास खुली छूट होती है, डिटर्मिनेंट रखा है
फाइंड करो 3/3 का. तो मैं सजेस्ट करती हूँ ऑलवेज एक्सपेंड अलोंग रो 1. तो आप हमेशा रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो. मैम ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग? क्योंकि पता है हमने याद हो जाते हैं साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं ना, तो साइन हमें याद होते हैं कि पहले एलिमेंट के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. अगर कंसेप्ट ओवरव्यू देखा है तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि वहां मैंने आपको एक एक चीज सॉल्व करके दिखाई है. ठीक है, तो इसीलिए रो 1 के हमें साइन याद रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फटाफट डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं अपन. ठीक है, आई होप आपने कंसेप्ट ओवरव्यू देखा है. तो मैं ऐसा मान के चल लेती हूँ और फटाक सीधे इसका डिटर्मिनेंट आपको निकाल के दिखाती हूँ. तो सबसे पहले पॉजिटिव मतलब मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ. तो चलो आओ यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको देखना आप लोग. ठीक, सो रो 1 के अलॉन्ग करना है तो मुझे अपने रो 1 को हाइड करना है. ओके, रो 1 का जो मेरा पहला एलिमेंट है दैट इज 3, तो वह 3 को तो लिखूंगी और साइन कैसा लूंगी, पॉजिटिव का लूंगी. ओके, अब मैंने 3 लिया यहाँ पे, तो 3 मेरा इस पहले कॉलम में है तो मैं इसको भी हाइड कर दूंगी. ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम हाइड करना है. इसके बाद जरा आप ध्यान से देखिए आपके पास जो डिटर्मिनेंट बचा ना वो किस ऑर्डर का बचा. अगर ये सारी चीजें मैंने हाइड कर दी तो ये जो डिटर्मिनेंट मेरे पास बचा है किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है. और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व करना जानते हो, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, सब्ट्रैक्शन का साइन, बाकी जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा देखो 3 × 12 = 36, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट, −6 × 0 = 0, दैट्स इट. तो आपने लिखा यहाँ पे क्या 3 × 36, पॉजिटिव हो गया, फिर बीच में नेगेटिव का साइन आता है. अब आपको रो 1 को ही फिक्स रखना है. अब आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है उसका नाम क्या है, 0 है. कौन सी कॉलम में है, वो सेकेंड कॉलम में है. तो अब आप इसको हाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे −0. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे चेक करना, ये एक बार रिकॉल करा रही हूँ इसलिए इतने डिटेल में जा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन तो अपन जल्दी जल्दी ही करेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने −0 लिखा. अब जो मेरे पास आप देख सकते हैं 2/2 की डिटर्मिनेंट है कौन, 06 012, क्या होगा, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन, 0 × 12 = 0, −6 × 0 = 0. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके बाद क्या, पॉजिटिव. तो इसको हटा दो, इसका काम ओवर हो चुका है. अब आप पकड़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉलम को. सो आपका जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है, ये वाला. ओके, अब आप लिखेंगे यहाँ पे साइन, क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव. सो दिस इज +3, इनको हाइड करो, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, this into this 0 and this into this 0, तो आपको मिला 0. ठीक है, तो ये सारी चीजें ना अभी आपको लग रहा है मैम कंफ्यूजन है, अरे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चंस आप ना ऐसे उड़ाने लगोगे. और डिटर्मिनेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में इसका यूज आएगा, आपको आगे भी कहीं ना कहीं इसका यूज देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ओके, और ये मैट्राइसिस के बाद दूसरा ईजी चैप्टर है आपकी लाइफ में, राइट. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये चला गया, ये चला गया, तो मेरे पास क्या बचता है यार, ये सब तो 0 हो गए है ना, मेरे पास सिर्फ यही बचता है छोटा सा, इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ जल्द. सो 3 × 36 कितना होता है, 108, चेक कर लो एक बार, 108. ठीक है, सो ये आपके LHS का आंसर आ रहा है. अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने RHS को देखना है. सो RHS क्या कहता है कि 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो ठीक है, आओ सबसे पहले काम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद उसमें 27 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए फिर 27 का मल्टीप्लिकेशन करना है. इसने क्या कहा था कि 3 a का डिटर्मिनेंट निकालो, तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखिए जरा यहां बनाएंगे, दिस इज 1 0 0, यहां पे क्या लिखा है 0 1 0, और उसके बाद है 1 2 4. चलो जी डिटर्मिनेंट निकाल लो आप जल्दी से इसका. कैसे निकालेंगे, हमेशा मैं तो कहती हूँ पहली रो के अलोंग. ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं बिल्कुल. मैं सजेस्ट करती हूँ फर्स्ट रो के अलोंग, क्योंकि साइन याद होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. मोस्टली आप लोग कहेंगे कि मैम हमने तो पढ़ा है जहाँ मैक्सिमम 0 होते हैं वहाँ कर दो, बिल्कुल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 1 में मैक्सिमम 0 है, आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है. आप रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन बार बार वो साइन थोड़े से आपको दिमाग में खेलना पड़ता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर दिया कि रो 1 के अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फटाफट आप डिटर्मिनेंट निकालो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पकड़ा इस 1 को, तो 1 ठीक,
फिर क्या करना है, रो वन के अलोंग कर रहे हैं तो चलो एक बार और समझ लेते हैं अपन। हम अपने रो वन को हाइड करेंगे और अपने कॉलम वन को हाइड करेंगे क्योंकि वन इस कॉलम में है। फिर यहाँ मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, इनका मुझे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 × 4 = 4, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 2 × 0 = 0, तो आपको मिला बस ये 4। फिर यहाँ पे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव 0। अब 0 मेरे किस कॉलम में है, 0 मेरे सेकेंड कॉलम में है, तो मुझे इसको इसको क्या करना है, मुझे चेक करो एक बार, मुझे अपने इस कॉलम को हाइड करना है। अब मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप जानते हो 0 लिखा है बाहर, अंदर कुछ भी आ जाए आंसर तो ओवरऑल 0 ही आना है, तो क्यों दिमाग लगाए। और वैसे भी देखो ना, 0 × 4 = 0, 2 × 0 = 0, मतलब ये तो 0 ही आ रहा था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन पकड़ेंगे अपने थर्ड कॉलम को, ठीक है, किसको पकड़ेंगे अपन, थर्ड कॉलम को पकड़ेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर है, ठीक। चलो यहाँ पे ना इसको ऐसा करते हैं, पता था मुझे, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ लिखना है दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर 1 लिखा है, आप यहाँ 1 लिख लें, इसके बाद इसको हाइड करें, 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, तो दिस इज ओवरऑल 0। तो आपके पास ये कितना आया देखो ज़रा, 1 × 4 = 4, बाकी सब तो 0 ही आ रहे हैं, तो आपके पास ये आ रहा है 4, ठीक है। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ रहा है। मैम आंसर तो आया नहीं आपका, अरे क्वेश्चन तो देखो ना, क्वेश्चन ने आरजेस ने क्या कहा है कि 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 4 है। आपके आरएचएस ने क्या कहा था, आपके आरएचएस ने कहा था 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ठीक है ना, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 4 आया है, कर दो मल्टीप्लिकेशन, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8, 9, 10, सो 108 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। जरा दोनों के एलएचएस और आरएचएस को चेक करो आप, यहाँ पे कितना आ रहा है 108, उधर भी कितना आ रहा है 108, राइट। तो दोनों के अपने ये आरएचएस सेम है, तो यार ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, दोनों का 108 आंसर आया है। इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके बराबर है, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। क्या किसी को कोई समस्या हुई यहाँ पे, एक बार चेक कर लो एक बार किस तरीके से काम हुआ है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने 3a निकाला, 3a का फिर आपने डिटर्मिनेंट निकाला, उसके बाद आपने RHS को देखा, RHS ने कहा था 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना, फिर 27 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, फिर आप देखो जरा ध्यान से 108 मतलब दिस इज इक्वल टू दैट, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर चलेंगे आगे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है। तो देखो आपकी फिर से मैं बोलूँगी, आपके पास चॉइस है, आप चाहें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, बट हम लोग फिक्स कर लेते हैं रो वन, ओके। तो रो वन के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना चाहिए अपन को, रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में अपने रो वन को हाइड कर लेंगे, ओके। अब हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हमें घूमना होता है। तो पहला एलिमेंट कौन है, पहला एलिमेंट 3 है। पहला एलिमेंट क्या है आपका, पहला एलिमेंट आपका 3 है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लेना कि आपका ये जो 3 है ना, कहाँ लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है, तो आप अपने पहले कॉलम को भी हाइड कर देंगे। फिर आपके पास जो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा है, आप इसमें लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0 × 0 कितना मिलेगा, 0 × 0 आपको मिलेगा 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, −1 × −5 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा +5, ठीक है। इसके बाद क्या, पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन आप बनाएंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे आपके क्या लिखा है आपके पास, चेक करें आप, आपके पास लिखा है यहाँ पे एलिमेंट, देखो मैं इसको हाइड कर रही हूँ, एलिमेंट क्या है, −1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे −1, ओके। उसके बाद माइनस का साइन तो आता ही है, लेकिन एलिमेंट के भी पास माइनस है तो लिखो −1, फिर आप बनाएंगे ब्रैकेट। अब ये आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 × 0 = 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 3 × −1 = −3, तो यहाँ पे −3 मिलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको अपने थर्ड कॉलम को हाइड करना है। पॉजिटिव का साइन आता है, एलिमेंट −2 है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो आप लिखेंगे −2। इसके बाद आप यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट देख सकते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 0 × −5 = 0, −0 × 3 = 0,
ठीक है, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास आया। अब यहां पे क्या आता है, 3 × −5 = 15। ओके, यहां देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू थ्री कितना होगा, प्लस 1 × 3 प्लस 3 होगा, और दिस इज क्या, 0 × 0, 0 × समथिंग गिव्स यू 0, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास ये कितना आया, माइनस 15 प्लस 3, इसका मतलब माइनस 12। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ रहा है, माइनस 12 आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या किसी को कोई समस्या है यहाँ पे, सब ठीक है? बस इसी तरीके से डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। अगेन आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है, फिर से आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है। क्या करेंगे हम तो रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, 3, ब्रैकेट बनाइए, इनको हाइड कर लो, ठीक है। पहली रो को तो हमेशा हाइड करना है, फिर जो पहली रो के आप एलिमेंट्स लिख के आओगे ना, वो एलिमेंट जिस भी कॉलम में है उन कॉलम को हाइड करते जाएंगे। जैसे मैंने 3 को पकड़ा, तो 3 पहली रो पहले कॉलम में हाइड कर दो। फिर मेरे पास बचता है ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, और इसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं। 1 × 1 = 1, सब्ट्रैक्शन का साइन, −2 × 3 = −6, तो ये बन जाएगा +6। फिर बीच में माइनस का साइन आता है, तो ठीक है, अब माइनस का साइन बनाया, इस कॉलम की कहानी खत्म। अब आपको इस कॉलम को हाइड करना है। माइनस का साइन आता है, एलिमेंट क्या है, −4, तो ठीक है जी, इसका साइन जो है वो तो लेके चलना है, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव का, उसे आपको याद रखना है। ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आते हैं, पोजीशन के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने अपने पहली रो एंड दूसरे कॉलम को हाइड करना है। फिर आपके पास ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसमें आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 = 1, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, −2 × 2 = −4, तो ये बन जाएगा +4। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आप जाएंगे पॉजिटिव पे, इस कॉलम की कहानी खत्म हो गई है, अब आपको ये वाले कॉलम पे जाना है। यहां एलिमेंट लिखा है 5, तो मैंने लिखा 5, फिर आप ब्रैकेट बना लेंगे। इसके बाद फिर से आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 × 3 = 3, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 × 2 = 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, चेक करो जरा, आपके पास क्या आएगा, 6 + 1 = 7, 7 × 3 = 21। यहां देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4, एंड 1 + 4 = 5, 3 में से 2 गया 1, एंड दिस इज 5, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 21 + 20 + 5, कितना आया, 21 + 20 + 5, मतलब आपके पास आता है 21 + 5 = 26, दैट मीन्स हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। क्या कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं तो यार फिर से क्या करने वाली हूँ, इस क्वेश्चन में पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी। साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, तो पहली रो तो हमेशा छुपा के रखनी है। पहला एलिमेंट क्या है, 0, कौन से कॉलम में है उस कॉलम को भी छुपा दो, ब्रैकेट बना दो, फिर यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करो, 0 × 0 = 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, −3 × 3 = −9, तो ये +9 हो जाएगा, ओके, लेकिन बाहर तो 0 बैठा है, तो ओवरऑल 0 होगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पूरी स्टेप अपन करके दिखाएंगे। फिर नेगेटिव का साइन आना है, और सेकेंड कॉलम को हाइड करना है, एलिमेंट क्या है, 1 लिख दिया मैंने। अब मेरे पास ये 2/2 की डिटर्मिनेंट बचती है, इनमें मल्टीप्लीकेशन करो, −1 × 0 = 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, −3 × −2 + 6, तो यहाँ पे लिखा मैंने 6, ठीक है। अब क्या करना है, पॉजिटिव इसको हटाओ, अब अपना लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम क्या है, 2, तो +2, फिर आपने ब्रैकेट बनाना है, इसको हाइड करना है, −1 × 3 = −3, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 0 × समथिंग = 0, तो इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। कितना आ रहा है मेरे पास, ये तो 0 आ रहा है, दिस इज +6, और ये कितना आ रहा है, −6 आ रहा है, 2 × −3 = −6, तो कितना आंसर आया आपके पास, 0 आंसर आया इस डिटर्मिनेंट का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको डिटर्मिनेंट ही चाहिए, तो आ जाओ फिर से फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, अब तो आपको स्टेप याद हो गई होगी, पहली स्टेप क्या है, याद रखना हम तो हमेशा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साइन को हम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट पहली रो के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो पहली रो को तो हमेशा कट करके आप रख लो, ठीक है, उसे तो हमेशा कट करके रखना है। अब बात करते हैं अपन कि ये जो एलिमेंट है 2, जिस भी कॉलम में है उस कॉलम को हाइड कर लो, ब्रैकेट बना लो, इनका मल्टीप्लीकेशन ऊपर से नीचे, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 × 0 = 0, बीच में माइनस का साइन, −1 × −5 + 5, ये काम आपका हो गया।
इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपका पहली कॉलम से आपने एलिमेंट निकाल लिए, फिर बीच में माइनस का साइन जाएगा और इसको हाइड करना है आपको। माइनस का साइन तो आएगा ही, अब ये एलिमेंट भी क्या है, माइनस वन है तो लिख दो, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर हमारे पास ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 × 0 गिव्स यू 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर 3 × −1 गिव्स यू −3, तो ये हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये वाला काम फिनिश हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हम लेंगे पॉजिटिव और एलिमेंट क्या है, −2। एलिमेंट क्या है, −2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वहाँ पे मैंने फिर −2 लिख दिया। अब इनको हाइड किया, इनको हाइड किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 × −5 गिव्स यू 0, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, 2 × 3 = 6, ये लो। तो इस तरीके से हमने बड़े प्यार से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। अब बस हमें इंटू करना है, 2 × −5 = −10। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 1 × 3 वी हैव +3, ये क्या होगा, +12। तो कितना मिला आपको, आपको मिलता है 2 + 3, दैट मीन्स 5। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप लोग। इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक 3/3 का मैट्रिक्स है ए आपका, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, देखो जी A इज इक्वल टू दिस है, डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें चाहिए 3/3 मैट्रिक्स का, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1, 2, 5, 1, 1, 4, −2, −3, −9। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिलेगा, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, क्यों, क्योंकि साइन याद रहते हैं, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो मैं तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव विल बी द साइन। चलो आ जाओ, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या, क्योंकि रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप अपनी रो 1 को इस तरीके से हाइड कर लेंगे। पहला एलिमेंट आपका 1 है, पहले कॉलम में है, आप इसको भी हाइड कर लेंगे। ओके, अब आप अपने एलिमेंट को लिखो, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1, किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ब्रैकेट बनाएंगे। आपके सामने अब 2/2 की डिटर्मिनेंट बची है, क्या करना है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, 1 × −9 = −9, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, −3 × 4 = −12, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद पहले कॉलम का काम खत्म हो चुका है, आप इसको हटा देंगे यहाँ से। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, और ये जो आपका 1 है किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो अब आप इसको हाइड करेंगे। ठीक है, अब आपने इसको हाइड करना है, आपने इसको हाइड किया, इसके बाद देखिए जरा यहाँ पे पॉजिटिव के बाद साइन क्या है, नेगेटिव, तो आप बनाएंगे यहाँ पे माइनस का साइन। ये एलिमेंट क्या है आपका, 1, तो आपने लिखा 1। इसके बाद हाइड करने के बाद आपके पास ये एलिमेंट्स बचते हैं, तो यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है। आप ऊपर से नीचे वही लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × −9 − 18, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, −3 × 5 = −15, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है, इसका काम भी खत्म हो गया। अब आप जाएंगे पॉजिटिव का साइन बनाएंगे, दिस इज पॉजिटिव, एलिमेंट क्या है, −2, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, आपने यहाँ लिखना है 2। अब आपका 2 किस कॉलम में है, यहाँ पे ये 2 किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे। फिर आपके पास ये 2/2 की डिटर्मिनेंट बची है, और अब आप जाके अपनी इस 2/2 डिटर्मिनेंट में वही ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, चेक करें आप लोग, 2 × 4 = −1 × 5 = 5, कुछ इस तरीके का आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो कितना आएगा, चेक करें जरा, −9 + 12 कितना, 3, तो यहां मिलता है आपको 3। ओके, यहां देखें −18 + 15 − 3, −−+, तो ये हो जाएगा +3, 8 − 5 = 3, 3 × −2 − 6, तो कितना आ रहा है, 3 + 3 = 9 नहीं होता, 6 होता है, 3 + 3 = 6, 6 − 6 = 0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये गिवन है कि दिस 2/2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला 2/2 का डिटर्मिनेंट, क्या होगा इसका आंसर, कोई मुझे बता सकता है, क्या कह रहे हैं आप लोग, x इज इक्वल टू 1,
कुछ कह रहे हैं x इज इक्वल टू 2, नहीं ये ऐसा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स की तरह सॉल्व नहीं कर सकते कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वल, नो इट इज़ डिटर्मिनेंट। और ऐसी गलतियाँ होती हैं पेपर में, जब एक साथ हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि यार साइन आपका ऐसा बना है या ऐसा बना है, कैसा बना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन बना है। सो अगर 2/2 के दो तरफ डिटर्मिनेंट लिखे हैं आपके पास और आपको एक्स चाहिए, तो आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट नहीं करोगे, आप अपने इस वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करोगे और इस वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करोगे, उसके बाद आप अपने एक्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वेट करना हमने मैट्राइसिस में काम किया है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करो, 2 × 1 2, बीच में माइनस का साइन, 4 × 5 20, दैट्स इट, ओके, इज इक्वल टू 2x × x 2x² बीच में माइनस का साइन, 4 × 6 24, कितना आएगा ये 2 − 20 − 18, ये यहाँ पे जाएगा प्लस 24, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, इन सबको इधर लेकर आ जाओ, 2 − 20, ओके, 2 − 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x², मतलब कितना आ रहा है मेरे पास, 2 − 2 + 4 आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 2x², तो 2x² इज इक्वल टू 6, तो x² इज इक्वल टू 3, तो x कितना आएगा, x आएगा मेरे पास प्लस माइनस रूट 3, एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या किसी को कोई समस्या है इसमें, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्या किया, दो डिटर्मिनेंट्स मेरे इक्वल थे, एक्स की वैल्यू चाहिए था, गलती क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करके आंसर देना, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये हम कब करते हैं, मैट्राइसिस में करते हैं। डिटर्मिनेंट में आप उसको भी इवेल्युएट करोगे, आप इसको भी इवेल्युएट करोगे, और फिर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, फिर आप अपने एक्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये गलती बिल्कुल ना करें, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो मैम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, ओके, 2 × 5 = 10 − 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू, अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, x × 5 = 5x − 3 × 2 = 6x, ठीक है। तो कितना आया, −2 = −x, तो x इज इक्वल टू 2, आपका x कितना आ रहा है, आपका x 2 आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। नॉर्मली लिखते तो क्या बोलते हैं, मैम x 3 आ रहा है और मैम x 5/2 आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या करना है आपको, उसको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करना है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वेट कर दो, तो आपको x कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, If this determinant is equal to this determinant, then x is equal to, ये same to same question, अपने previous year के question को उठा के देखना, यही same question कितनी बार पूछा गया है, और कुछ भी difficult नहीं है इसमें। क्या करेंगे आप, ये 2/2 का determinant इस 2/2 के determinant के बराबर है, तो आपका x क्या होगा, तो ठीक है, evaluate कर दो, x × x x² minus 18 × 2 = 36 is equal to, इसको evaluate करने के बाद इसको evaluate कीजिए आप लोग, 6 × 6 = 36 −18 × 2 = 36, तो कितना आएगा आपके पास, x² − 36 = 0, तो x² = 36, तो x कितना आ रहा है, प्लस माइनस 6 आ रहा है, दैट्स इट, राइट। क्या करना था, इसको इवैल्यूएट करना था, इसको इवैल्यूएट करना था, एंड देन वी हैव टू इक्वेट, और फिर जो 7th, 8th की बातें हैं, है ना, तो x कितना आया, प्लस माइनस 6 ऑप्शन है, डेफिनेटली ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, छोटी छोटी सी बातें थी, इनको आपको ध्यान रखना था, और इसके साथ ही आपकी छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज 4.1 हो जाती है फिनिश। बहुत ही जल्दी नई एक्सरसाइज के साथ अपन मिलेंगे, 4.2 के कंसेप्ट को देखेंगे। टिल देन आप एक्सरसाइज 4.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू को और एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे, एंड ट्रस्ट मी अगेन, ये वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है, लेकिन रोज साथ में आपको पढ़ते चलना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में देखेंगे, इतने सारे आपके कोर्सेज ना, सब एकदम अरेंज्ड है। तो अगर आपको क्लास 12th पढ़ना है, तो आप क्लास 12th पे क्लिक कर लेना, 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सब यहाँ अरेंज्ड है। अगर आप क्लास 12th में मैथ्स एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, आपको बस यहाँ जाके वॉच नाउ पे क्लिक करना है, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। हमने अपनी बुक एनसीईआरटी से
जितने भी चैप्टर्स को एक्सरसाइज वाइज कंसेप्ट वाइज पढ़ के रखा है वो सब इधर सीक्वेंस में एकदम अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है ना बस उसके लिंक पे करना है क्लिक और मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। ओके सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।